गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम 6th चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बच्चों पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। सेक्शन 70-80, हालांकि हमारे में है क्या 70-74 और फिर सीधा 80 है। तो अभी हम एक बार डिस्कस करते हैं कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है और फिर सेक्शन वाइज पढ़ेंगे उस चीज को। तो देखो बच्चों, पहला इसमें जो वर्ड है वो है सेट ऑफ। अभी आपको मतलब समझाता हूँ सेट ऑफ का। मान लो बच्चों मेरी दो हाउस ऑफ बर्डी हैं, एक हाउस ऑफ बर्डी से लॉस आ रहा है। लॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रखा है, तो वो इंटरेस्ट 24B के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल है, जिसके कारण लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आ गया और मेरी दूसरी प्रॉपर्टी से इनकम है। तो अगर मेरे से कोई पूछे ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं क्या करूंगा, जो हाउस वन की इनकम है ना उसमें से हाउस सेकेंड का लॉस लेस कर दूंगा। उस लेस करने को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ करना। सेट ऑफ बोल लो, राइट ऑफ बोलो। यहाँ पर राइट ऑफ वर्ड यूज नहीं होता, वो आपके अकाउंट्स में यूज होता है। यहाँ पर वर्ड यूज होता है सेट ऑफ। यहाँ हमें कुछ कंसेप्ट बनाने हैं सेट ऑफ के रिगार्डिंग। जब कभी भी लॉस होगा तो आप समझो गवर्नमेंट अलो कर रही है उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए। सबसे पहले सेट ऑफ होगा वो अपने ही हेड से। अगर मेरा एक ही हाउस है और लॉस हो गया, फिर दूसरा हाउस तो है ही नहीं। अगर अपने हेड से सेट ऑफ ना हो पाया तो फिर दूसरे हेड से लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा। सबसे पहले कहां से सेट ऑफ होगा? इंट्रा हेड, सेम हेड से। इसको बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, जिसके लिए मैं पढ़ाने वाला हूं सेक्शन 70। अगर लेकिन आप कहते हो दूसरा सोर्स है ही नहीं उस हेड के अंडर, मान लो मेरा एक ही बिजनेस है और वहां से लॉस हो रहा है, तो दूसरा बिजनेस है ही नहीं जहां से मैं सेट ऑफ कर लूं, तो फिर कहां से सेट ऑफ होगा? आप कहोगे इंटर हेड एडजस्टमेंट होगी। उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको सेक्शन 71। लेकिन आप कहते हो किसी और हेड की इनकम भी नहीं है, तो क्या लॉस के केस में गवर्नमेंट हमें टैक्स देगी? नहीं, क्योंकि मुझे लॉस हुआ तो मेरा तो अब नेगेटिव में इनकम आ गई, तो क्या गवर्नमेंट मुझे कंपनसेट करेगी? नहीं देगी गवर्नमेंट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स लेती है, तो फिर लॉस का क्या करेंगे? गवर्नमेंट कहती है सेट ऑफ करो, और इनकम है नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है फिर इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, नेक्स्ट ईयर की इनकम में से सेट ऑफ कर लेना। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे 71B2, 74A, ये सेक्शन पढ़ाऊंगा बच्चों मैं आपको कैरी फॉरवर्ड के लिए, कि कौन सा लॉस कितने इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है और कैरी फॉरवर्ड के दौरान कहां से सेट ऑफ हो सकता है। तो ये इसकी आउटलाइन है, इसको पढ़कर हमें सारा समझ आ जाएगा। आप सिर्फ ये देखना मैं सिंगल जरा से भी हेल्प नहीं लूंगा कहीं से, और पूरा का पूरा चैप्टर टिप्स पे है, और एक घंटे बाद आपको भी टिप्स पे होगा, क्योंकि मैं सारा बार बार रिवाइज करा दूंगा उस 1 आवर के अंदर, हमें पूरा अच्छे से आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका काम है कि कई रिवीजन दे देनी है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसमें सेट ऑफ का पॉइंट तो वो डालेगा ही डालेगा, कोई ना कोई लॉस ऐसा हो रहा होगा जो सेट ऑफ नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। मैं ये नहीं कह रहा इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, अगर आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको सेट ऑफ का पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इसको बड़े ढंग से पढ़ लेंगे कि किस तरह से होता है। सबसे पहले मैंने सेक्शन 70 की बात की बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, जिसको आप बोलेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सेम हेड से अगर आपका दूसरा सोर्स है तो वहां से सेट ऑफ। बच्चों जब मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ एटी का हेड पढ़ाया, इनकम कंप्यूट करनी सिखाई, तो तीन हाउस होते थे ना, हम तीन कॉलम बना लेते थे। तो अगर मान लो किसी एक हाउस से लॉस आ रहा है तो हम क्या करते थे, नीचे लिखते थे इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ एटी, तो उस लॉस को बाकी इनकम में से सेट ऑफ कर देते थे। तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही हेड के एक सोर्स से लॉस है और दूसरे सोर्स से इनकम है, तो वो लॉस जो है वो दूसरे सोर्स से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शन आप क्वांटिटी में पहले याद करेंगे 6, जिसमें सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग सेम हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा।
मतलब दोनों इनकम उसी हेड में चार्जेबल होंगी, और एक से लॉस हो रहा है दूसरे की इनकम है, तो वो लॉस उस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, तो वो हम एक्सेप्शन 6 करके याद करेंगे। ऐसे ही 71 में 6 करके हम याद करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 70 में एक्सेप्शंस क्या हैं बच्चों, हमारे पांच हेड हैं, ऐसे करके याद करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी हेड से वो मानते हैं लॉस नहीं हो सकता। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी हेड से वो मानते हैं लॉस नहीं हो सकता, तो एक्सेप्शन होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वहां सेट ऑफ होगा या कुछ। सेकंड हेड आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन में नहीं आता। अगर एक हाउस से लॉस है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे हाउस की इनकम से सेट ऑफ होगा, बशर्ते उसमें इनकम हो, वो एक्सेप्शन में नहीं आता। मतलब लॉस फ्रॉम वन हाउस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर हाउस। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे हेड पे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बच्चों अभी हमने वो चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बिजनेस को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस। बिजनेस को हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं, सबसे पहले ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेकुलेटिव स्पेसिफाइड वही डिफाइन होंगे। यहां जस्ट माइनर सा बता देता हूं कि क्या बना रखा है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पहले स्पेकुलेटिव, अगर मैं परचेज सेल की ट्रांजैक्शन कर रहा हूं किसी के साथ लेकिन बिना एक्चुअल डिलीवरी लिए, सिर्फ जैसे सट्टा लगाना बोलते हैं ना, उस तरह का काम हो रहा है कि मैं एक चीज का मोल कर रहा हूं और एक दिन बाद उसको बेच रहा हूं बिना एक्चुअल डिलीवरी लिए। जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, क्या होता है कि इंट्राडे लोग क्या करते हैं, परचेस किया, हाथों हाथ बेच दिया, तो वो क्या है, एक स्पेकुलेशन है। आप उसकी डिलीवरी नहीं ले रहे, आप वो शेयर खरीदने के पर्पज से नहीं चल रहे, आप तो सेम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं खरीद कर उसी दिन बेच दूं और मेरे को प्रॉफिट हो जाए, तो डेट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। ऐसे गोल्ड मार्केट में हर जगह होती है, कॉमोडिटी मार्केट में लोग स्पेकुलेशन करते हैं। जैसे मुझे लगता है इस चीज का रेट बढ़ेगा, मेरे फ्रेंड को लगता है डिक्रीज होगा, तो मैंने उससे शर्त लगा ली, एक प्राइस डिसाइड कर लिया कि मैंने तेरे को इतने में बेचा, ना मेरे पास है ना उसने खरीदना है, हम तो सिर्फ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो डिफरेंस होगा वो या तो मैं उसको पे करूंगा या वो मुझे पे करेगा, तो डेट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो उस इनकम को क्या बोलते हैं, अगर आपका वहां रेगुलरिटी है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो आपने याद रखना है ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस किसको बोलते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं बच्चों जहां पर अभी प्रॉफिट का स्कोप नहीं है, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा हेजिटेट करता है उसमें पैसा लगाने में, गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर उसमें इनिशिएट करे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, वहां पर 35AD में उन बिजनेसेस को स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में डाल रखा है। उसमें क्या बेनिफिट दे रखा है कि कुछ ईयर्स तक टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने वैसे एग्जेम्प्ट नहीं किया, उन्होंने कैसे किया कि उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर की सेम ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी, डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, बल्कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है सारा का सारा सेम ईयर में क्या हो जाएगा, अलाउड। अब आप समझो मैंने बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, आप सेम ईयर में उसको सेट अप करने के लिए अलाउड कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट देखो ना, तो मेरा उस ईयर तो लॉस आ जाएगा, तो टैक्स ऑटोमेटिकली बच गया, और उस लॉस को गवर्नमेंट इनफाइनाइट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करवाती है। तो वो हम वहां पर सारे वो बिजनेस पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे उन बिजनेसेस के लिए। गवर्नमेंट ने सेक्शन बना रखा है पीजीबीपी हेड में 35AD, तो हम ऐसे लिखेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। तो अब उसके साथ यहाँ क्या रेस्ट्रिक्शन है वो समझना बच्चों, मुझे ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस हुआ, मैं स्पेकुलेटिव से भी सेट ऑफ कर सकता हूँ, स्पेसिफाइड से भी सेट ऑफ कर सकता हूँ, और ऑर्डिनरी के अपने से भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हुआ तो वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, ऑर्डिनरी या स्पेसिफाइड से नहीं होगा। तो आपका पहला एक्सेप्शन है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। हम 6 करके लर्न करेंगे, याद हो जाएगा बच्चों। सेकंड एक्सेप्शन लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। बच्चों मैं ना आपको ऐसे बताता हूं, अब गवर्नमेंट जो स्पेसिफाइड बिजनेस की बात कर रही है ना,
गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो भी बिजनेस स्टार्ट करे ना उनको कई साल तक इस बिजनेस की इनकम पे टैक्स ना देना पड़े। ये नहीं कि उसका लॉस आप दूसरे बिजनेस से सेटअप कर ले उसका भी टैक्स बच गया आपका। तो गवर्नमेंट ने कहा कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेटअप होगा, ऑर्डिनरी या स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेटअप नहीं होगा। इसलिए ये क्या आ गया एक्सेप्शन में, मतलब वो तीनों के तीनों सोर्सेस पीजीबीपी हेड में चार्जेबल हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन क्या दे दिया कि स्पेकुलेटिव का सिर्फ कहां से सेट ऑफ होगा स्पेकुलेटिव से, स्पेसिफाइड का सिर्फ कहां से सेट ऑफ होगा स्पेसिफाइड से, इसलिए एक्सेप्शन है। अब बच्चों इससे नेक्स्ट हमारा हेड आ जाता है कैपिटल गेन, वो भी अभी हमने आगे डिस्कस करना है, तो आपको मैं वहां पढ़ाऊंगा कि कैपिटल गेन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उसी तरह लॉस भी दो होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो आपको क्या याद रखना है अभी के लिए, उस हेड में तो सीखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो वो हमारा तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब बच्चों फोर्थ एक्सेप्शन पढ़ाना है, जो मैं लिख रहा हूं ना मैंने अदर सोर्सेस आपको पढ़ा दिया है, वहां ये आया ही नहीं, वहां इसलिए नहीं आया क्योंकि नॉर्मली ये इनकम नहीं होती, ये तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ये चीजें चलती है। इसमें मैंने बोलना है लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, जो हॉर्स रेसिस होती है ना उसमें जो रेस हॉर्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, जो हॉर्स रेसिस होती हैं, तो हॉर्स रेसिस का मतलब हॉर्स ही तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो वो जो रेस हॉर्सेस हैं वो जो पार्टिसिपेट करते हैं कोई ना कोई तो उनको खरीद कर मेंटेन करता होगा ना। तो जो पर्सन खरीद कर सिर्फ हॉर्सेस मेंटेन कर रहा है उसको क्या मिलता है, जो हॉर्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके पैसे, जो हॉर्स पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक्टिविटी से पैसे, और प्लस में अगर उसका हॉर्स फर्स्ट आ जाता है तो जो प्राइज मनी होती है उसका कुछ परसेंटेज उस हॉर्स के ओनर को भी पास ऑन होता है, लेकिन उसके लिए वो कैजुअल इनकम नहीं है क्योंकि वो कोई ऐसे नहीं लगा रहा हॉर्स के ऊपर पैसे, वो तो हॉर्स खरीद कर मेंटेन कर रहा है। तो जनरली आप कहोगे ये तो एक बिजनेस हो गया, उन्होंने ना इसको अदर सोर्सेज में डाल दिया था तो इसलिए हम अदर सोर्सेज में इसकी बात करते हैं। इसी तरह से मान लो कोई बोले कि लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग कैमल, जैसे रेस हॉर्सेस होते हैं वैसे क्या है कैमल की भी रेस होती है, तो वो बाकी सारे किस में आएंगे पीजीबीपी में, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, लेकिन रेस हॉर्सेस के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन बना रखा है। कोस्टों में हमें नहीं मिलेगा, सेटअप में ही वो जरूर दे देगा कि लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो आपको याद रखना है कि वो अदर सोर्सेस की किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो सिर्फ कहां से सेट ऑफ होगा, अगर आपको रेस हॉर्सेस एक आपके मान लो बॉम्बे में भी है और कोलकाता में भी है, आपका दो जगह पर अपना क्लब बना रखा है जिसमें आप रेस हॉर्सेस को मेंटेन करते हो खरीद कर, एक जगह से आपको प्रॉफिट हो गया और दूसरी जगह से क्या हो गया लॉस, वहां लॉस पता कैसे हो जाता है, आप पूरा साल उन रेस हॉर्सेस को अपने यहां मेंटेन करते हो, रेस के एंड टाइम पहले वो मान लो जो हॉर्स है वो बीमार है वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, तो आप समझो कि आपको नुकसान क्योंकि सारा साल आपने उसको मेंटेन किया है और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा, तो आपको पैसे कहां से मिलेंगे, तो उस एक्टिविटी से क्या हो जाता है लॉस। तो आपको सिंपली समझना है कि हमें वो लॉस होता है अगर तो वो इसी एक्टिविटी की इनकम से ही सेटअप हो सकता है कहीं और से नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा फोर्थ एक्सेप्शन, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। पांचवें नंबर पे बच्चों कैजुअल लॉसेस, अब इसको ध्यान से समझना, आप मेरे को ये बताओ बच्चों मैंने जब ऐसे बताया था कि अगर हम कैजुअल इनकम के लिए कोई खर्चा करते हैं तो कैजुअल इनकम कंप्यूट करती बार वो डिडक्टेबल नहीं है, तो फिर कैजुअल लॉसेस कैसे सेट ऑफ हो जाएंगे। यहाँ खास बात पता क्या है, कैजुअल लॉसेस कैजुअल इनकम में से भी सेट ऑफ नहीं होंगे, कैजुअल लॉसेस आर डेड लॉसेस, ना तो वो सेट ऑफ होने हैं ना कैरी फॉरवर्ड होने हैं, हो गया नुकसान तो ओवर करो, इनकम टैक्स में उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। मतलब आपको नुकसान हो गया लॉटरी परचेज की है उसके कारण, कार्ड गेम के कारण, तो आप समझो वो कहीं से सेट ऑफ नहीं होना, उसकी अपनी इनकम से ही सेट ऑफ नहीं होना, ना सेट ऑफ होना है ना कैरी फॉरवर्ड होना है, इसलिए हम उसको एक्सेप्शन में लिख रहे हैं ताकि याद रहे। और लास्ट वन इज लॉस फ्रॉम
एग्जेम्प्ट सोर्स, छह हैं एक्सेप्शन, अभी बार बार रिपीट करेंगे बच्चों, हमें याद हो जाएंगे। बच्चों अगर कोई सोर्स एग्जेम्प्ट है तो आप समझो आपको उस एग्जेम्प्ट सोर्स से लॉस हो जाए और आप टैक्सेबल इनकम में से उसको सोच रहे हैं सेट ऑफ करने की या कैरी फॉरवर्ड करने की, तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम ना एग्जेम्प्ट है। अब आप जनरली देखते हो कि फसल जब हम लोग बोते हैं उससे रिलेटेड मैनुअल लेबर होती है, बीज बोया जाता है, तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, और उस टाइम पे ठीक बारिश हो गई बहुत ज्यादा और वो सारी की सारी फसल खराब हो गई, तो जिसने वो फसल बोई थी उसको तो नुकसान हो गया। कौन सा लॉस है? एग्रीकल्चरल लॉस। वो चाहता है कि मेरा ये सेट ऑफ तो हो जाए, तो गवर्नमेंट कहती है सेट ऑफ नहीं हो सकता, जब इनकम ही चार्जेबल नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, तो लॉस कैसे सेट ऑफ हो जाएगा? अगर आपकी कोई इनकम चार्जेबल ही नहीं है और उस सोर्स से आपको लॉस हो जाए तो वो लॉस आपका सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक, एक्सेप्शन याद करने की कोशिश करते हैं। सैलरी हेड कोई लॉस नहीं होता, हाउस ऑफ एडी एक्सेप्शन में नहीं आता। पीजीपीपी में तीन तरह के बिजनेस, ऑर्डिनरी, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड। स्पेकुलेटिव का सिर्फ स्पेकुलेटिव से सेटअप हो सकता है, स्पेसिफाइड का सिर्फ स्पेसिफाइड से सेटअप हो सकता है। इसके बाद आगे हम कैपिटल गेन में, दो तरह के कैपिटल गेन होंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो लॉस भी दो तरह के होंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं, शॉर्ट टर्म दोनों से हो जाएगा, इसलिए वो एक्सेप्शन में नहीं है। उसके बाद फोर्थ, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, अदर सोर्सेज हेड भी चार्जेबल है। तो आपने सिंपल सा ये समझना है कि ये लॉस सिर्फ इसी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, आपको बैंक इंटरेस्ट से है इनकम, तो मतलब ये वहां से थोड़ा सेट ऑफ हो जाएगा। कोई भी और आपको डिविडेंड इनकम है, ये वहां से थोड़ा सेट ऑफ हो जाएगा, ये सिर्फ इसी इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। उसके बाद कैजुअल लॉसेस कहीं से सेट ऑफ नहीं हो सकते, और लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स कहीं से सेट ऑफ नहीं हो सकते। अभी हम नोट भी पढ़ेंगे, पहले एक बार जो याद करने का है सीधा सीधा वो याद कर लेंगे, क्योंकि नोट तो बिल्कुल आसान से है, वो मैं दो मिनट में याद करा दूंगा। मेन पहले मेरे को होता है सेक्शन 70-74A तक बच्चे को अच्छे से याद हो जाए, जिसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन करने हैं। अब आ गया बच्चों मैं सेक्शन 71 में, डेट जो ये सेक्शन 71 है ये क्या कहता है? इंटर हेड एडजस्टमेंट, वो इंटर सोर्स थी, इंट्रा हेड थी, ये क्या है? इंटर हेड। बच्चों दोनों में ना अंतर समझना, पहले तो याद रखना कि इसकी टर्न पता है कब आएगी, जब लॉस सेक्शन 70 के कारण सेट ऑफ नहीं हो पा रहा। आप कहते हो हाउस ऑफ एटी एक्सेप्शन में नहीं आता, लेकिन दूसरा हाउस है तो नहीं, एक ही हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लोन ले रखा है, जिसके कारण वहां से लॉस आ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है फिर वो हाउस ऑफ एटी का लॉस आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लो। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेट ऑफ हो रहा है? सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग। तो क्या सारे लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं? नहीं बच्चों, देयर आर एक्सेप्शंस। तो इस एक्सेप्शंस को अगेन हम 6 पार्ट में करके डिवाइड करेंगे, एक एक को याद करके समझने की कोशिश करेंगे कैसे है। देखो बच्चों, पहला मैंने बोला सैलरी हेड से लॉस नहीं हो सकता, तो फिर सेट ऑफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाउस ऑफ एटी हेड, इन्होंने पता है क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आपको हाउस ऑफ एटी से लॉस है, सेम हेड से सेटअप करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इंटर हेड सेटअप करना चाहते हैं तो हाउस ऑफ एटी का मैक्सिमम लॉस 2,00,000 रुपए ही सेटअप हो सकता है। कितने की रेस्ट्रिक्शन लगा दी? 2,00,000 की, और अगर लॉस 2,00,000 से ऊपर है तो 2,00,000 हो गया सेट ऑफ, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाई वो अभी हम डिस्कस नहीं करते, अभी एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपको हाउस ऑफ एटी का याद हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर लिमिट भी हमने 2,00,000 पड़ी थी, लेकिन लेट आउट में होती नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आपको हाउस ऑफ एटी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2,00,000 से ऊपर लॉस होगा ही नहीं, लेकिन आपकी लेट आउट है उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट लोन का ले रखा है कि इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, क्योंकि वहां एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एनएवी पे डिपेंड है, डेट इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, तो वो कहां से आपका लॉस जनरेट कर सकती है? लॉस तो कौन जनरेट करेगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो गवर्नमेंट ने यहां रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हाउस ऑफ एटी का लॉस किसी और हेड से मैक्सिमम 2,00,000 तक ही सेट ऑफ हो सकता है। तो यहां ऐसे लिखेंगे, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
कैन बी सेट ऑफ अप टू रुपीस 2 लाख फ्रॉम अदर हेड्स इनकम, दूसरे हेड की इनकम से होंगी ना, उसमें से मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है 2 लाख। अब देखो बच्चों दूसरा एक्सेप्शन, बच्चों मैंने अभी आपको बताए पीजीबीपी में 3 तरह के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड तो आएंगे ही आएंगे, आप समझो कि जब वो अपने हेड से सेट ऑफ नहीं हो पा रहे तो गवर्नमेंट उनको किसी और हेड से सेट ऑफ करने देगी, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हमने एक्सेप्शन में लिखने ही लिखने हैं। लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस को भी उन्होंने एक्सेप्शन में रखा सैलरी हेड के अगेंस्ट, क्या इंटेंशन रही होगी, मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट लॉ के साथ हर जगह रीजन नहीं लिखती। यहां क्या लिखा हुआ है, लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस है ना, लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। एक बार बच्चों मेरी बात ना सुनकर समझने की कोशिश करना कि किस तरह से गवर्नमेंट ने बना रखा है। यहां पर लिखा है लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे ना तो सीए इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन देगा 2 में से 1, या तो आप सर्विस कर लो मतलब जॉब कर लो, और या फिर आप प्रैक्टिस कर लो। सीए इंस्टीट्यूट नहीं मानता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों काम एक साथ कर सकता है। जब आप जॉब कर रहे होंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो सर्विस के लिए मिलेगा, आप साथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सर्विस नहीं कर सकते क्योंकि वर्किंग आवर तो वही के वही है। जब आप आर्टिकलशिप कर रहे होंगे तो साथ के साथ रेगुलर कोई कोर्स नहीं कर सकते। कैसे एक पर्सन 9 से 5 आर्टिकलशिप पे भी पहुंच गया और कॉलेज भी पहुंच गया, कैसे पॉसिबल है, आप ये समझो, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, वो कहीं ना कहीं तो झूठ बोल रहा है। सेम उसी तरह से जो वर्किंग आवर्स ड्यूटी के हैं वही प्रैक्टिस के हैं, तो आप कैसे एफिशिएंटली काम करोगे। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं वो साथ में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते, अगर की और गवर्नमेंट को पता लगा तो समझो उनको जॉब से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कोई गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, कोई जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो साथ में किसी क्लिनिक पे काम नहीं कर सकता। अगर एक पर्सन पीजीआईएमएस में डॉक्टर है, एम्स में डॉक्टर है, तो साथ में अपनी क्लिनिक नहीं चला सकता। तो इसका मतलब गवर्नमेंट मान रही है कि सैलरी हेड और पीजीबीपी एक पर्सन को सेम टाइम पे दोनों इनकम नहीं हो सकती। अब प्राइवेट सेक्टर पे तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती ना। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल वालों को कोई दिक्कत नहीं है मेरी ट्यूशन पे, तो गवर्नमेंट कौन होती है। मैं तो ट्यूशन करता हूं, मेरे स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गवर्नमेंट को तो कोई फिर प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो मतलब मैं एक साथ दो दो एक्टिविटी कर रहा हूं, दोनों जगह सही चल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में हो गया लॉस और आप सोचो कि सैलरी से सेट अप कर लूंगा, तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्लियर मना कर रही है कि बिजनेस का लॉस हाउस ऑफ से करो सेट अप, कैपिटल गेन से करो सेट अप, अदर सोर्सेस से करो, लेकिन सैलरी से नहीं। ये सिर्फ याद कराने का तरीका है बच्चों, जो रीजन बता रहा हूं, क्योंकि हमें हमारे टीचर ने पास ऑन किए उस टाइम पे याद कराने के लिए, और हम आपको पास ऑन कर रहे हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हुए, जैसे हमने पढ़े थे वैसे के वैसे हैं। और याद करना बिल्कुल आसान है क्योंकि एक चीज जो सिंगल क्लास में चैप्टर हो सकता है, तो उसको रिवाइज करने में कितनी देर चाहिए, शायद 10 मिनट। बाद में आप इसको इस तरह से शॉर्ट नोट में लाओगे कि 10 मिनट में ही प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि याद रखना पेपर में तो एक ही छुट्टी मिलनी है और सब साथ में लेकर जाना है। मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस सैलरी से नहीं हो सकता, तो क्या स्पेकुलेटिव का हो सकता है? वो जब ऑर्डिनरी से नहीं हुआ, स्पेसिफाइड से नहीं हुआ, तो बाहर हेड से कैसे जा सकता है? तो वो तो जब हेड से ही बाहर नहीं जाने ना, वो हाउस ऑफ एंट्री से हो सकता ना कैपिटल गेन से, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? देखो एक्सेप्शन में लिख रहे हैं 71 के अगेंस्ट, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD एंड लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। ये अपने सोर्स के अलावा ना तो बच्चों अपने हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं और ना ही किसी और हेड से, ना तो अपने सोर्स के अलावा
अपने हेड से सेटअप हो सकते हैं ना ही किसी ओवर हेड से। मतलब हाउस ऑफ एटी की इनकम है और स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, तो जब स्पेकुलेटिव वाला अपने हेड से नहीं हो पा रहा तो हाउस ऑफ एटी से नहीं हो सकता। अब इससे नेक्स्ट आगे बच्चों फोर्थ, कौन सा हमारा हेड है कैपिटल गेन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है, लेकिन ये दोनों के दोनों बाहर किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से हो जाएगा। इसलिए वो सेक्शन 70 में तो एक्सेप्शन में नहीं आया, लेकिन 71 में एक्सेप्शन में आ गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप सोचे एक सैलरी हेड से हो जाएगा, हाउस ऑफ एटी से नहीं हो पाएगा, और लॉन्ग टर्म तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से सेटअप होगा और कहीं से नहीं होगा। तो हम इसको कैसे बोलते हैं, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। जो आपके कैपिटल गेन्स हेड के अंडर दोनों तरह के लॉस होंगे ना, वो कहीं और से सेटअप नहीं हो पाएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ, ये जो फिफ्थ है हमारा वो वही है जो ऊपर फिफ्थ पढ़ा था, कैजुअल लॉसेस और लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। अब एक बार मैं 70 और 71 दोनों रिपीट कर देता हूं ताकि हमें याद हो जाए, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड पे पहुंचना चाहिए कि पहले एज ए टीचर क्या काम होता है कि आप जितना कराया उसको एक बार रिकैप कर दो। तो एक बार करते सेक्शन 70, इसको बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सेम हेड से होगा। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक हेड के अंदर एक सोर्स से लॉस है तो वो ऑटोमेटिकली उसी हेड के अदर सोर्स से सेट ऑफ हो जाएगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शन है हमारे छह। सबसे पहले लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, दूसरा लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, चौथा लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, पांचवा कैजुअल लॉस और छठा लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। आपने बार बार रिपीट करना है कि अपने आप को याद करा रहे हैं हम लोग कि जब बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें उस टाइम पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली क्लिक होता है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, कैजुअल लॉसेस, लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। अब आ जाते हैं सेक्शन 71, इंटर हेड एडजस्टमेंट। जब हम दूसरे हेड से सेट ऑफ करने की बात करते हैं, अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस। लॉस फ्रॉम हाउस ऑफ एटी कैन बी सेट ऑफ अप टू रुपीज 2 लाख फ्रॉम अदर हेड्स इनकम। लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD एंड लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, कैजुअल लॉसेस, लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। अब एक बार कैरी फॉरवर्ड पढ़ते हैं। जब कोई लॉस ना तो इंट्रा हेड ना इंटर हेड सेटअप हो पाता है, देन इट विल बी कैरी फॉरवर्ड। लेकिन मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, जब आपको फर्स्ट ईयर लॉस हुआ है ना, आप उसको अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आता तो कहीं से सेटअप कर लो। जैसे मान लो मेरे को हाउस ऑफ एटी का लॉस हुआ, चाहे मैं सैलरी से करूं, चाहे पीजीबीपी से करूं, चाहे कैपिटल गेन में से करूं और चाहे अदर सोर्सेस में से करूं। लेकिन अगर मान लो कोई और हेड की इनकम ही नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, या लॉस 2 लाख से ऊपर है, तो जो लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो पहले तो आपको बताना चाहूंगा हाउस ऑफ एटी का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे 8 सालों में आपको जिस ईयर भी इनकम आए उस ईयर में सेट ऑफ कर लो। कितने ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल। लेकिन उस दौरान सिर्फ हाउस ऑफ एटी की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो। उस दौरान आप सोचो कि एक बार ब्रॉड फॉरवर्ड जो कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगले साल वो ब्रॉड फॉरवर्ड बोला जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस ऑफ एटी कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ एटी। सारे हेड में सेम सिचुएशन, आपको अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो या तो उसके लिए वही सोर्स रह जाएगा या फिर वही हेड रह जाएगा। जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस है, जब पहले साल सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है लॉस, तो अगले साल भी कहां से होगा, सिर्फ वहीं से। तो एक बार हम अब सेक्शन लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं कि किस तरह से हमने पढ़ना है। तो देखो टेबल बना लेते हैं, 3 कॉलम आप बच्चों ऐसे लिख सकते हो, या फिर सेक्शन का 1 कॉलम और बना लेना, उस सेक्शन से हमें ये पता लग जाएगा, नहीं तो सेक्शन में 7 लिख देता। इनकम कौन सी है,
यहां आप लिखोगे फ्रॉम विच इनकम, और यहां पर आप लिखो पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड। आप टेबल बच्चों अपने हिसाब से बना सकते हो, मैंने तो अपने हिसाब से लिखा कि सारा कुछ उसमें आ जाए। बच्चों याद करने का ना एक तरीका होता है, हमने पहले क्या याद रख रखे हैं सेक्शन, फिर हमें पता है हेड वाइज इनकम ही तो डालनी है। 71B, 72, 73, 73A, 74 और 74A, क्योंकि ऐसे करके याद ही नहीं होता अदरवाइज, ये हमने ऐसे करके याद कर रखा है। ये बच्चों 6 हो गए हमारे सेक्शन, 71B, 72, 73, 73A, 74, 74A। तो बच्चों सबसे पहले बात करना चाहूंगा 71B, इनकम लिख लो या ऊपर लॉस लिख लो, पर्टिकुलर भी लिख सकते हो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो लॉस ही होने हैं, इनकम थोड़ा, इनकम तो टैक्सेबल ही हो जाएगी। आपसे कोई पूछे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहां से सेट ऑफ हो सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो कहां से सेट ऑफ करने का राइट रह जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। और कितने ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 ईयर्स, कि आगे के 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जिस ईयर सेट ऑफ हो सकता है ठीक, उसके बाद आगे 8 सालों के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद 72, बच्चों सैलरी हेड मैंने लिखा नहीं क्योंकि वहां से लॉस हो नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी हो गया उसके बाद पीजीबीपी, 3 बिजनेस है, पहले ऑर्डिनरी, लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस, बिजनेस कहते हैं हम खाली, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस और लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। वैसे तो स्पेसिफाइड बोलते ही उसको हैं, लेकिन आपने ये सेक्शन भी याद रखना है इसके साथ। अब आप ध्यान देना कैसे बना रखा है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस है ना, एक बार कैरी फॉरवर्ड हुआ तो आगे के 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और उस दौरान ऑर्डिनरी से भी सेटअप हो सकता है, स्पेकुलेटिव से भी हो सकता है, स्पेसिफाइड से भी हो सकता है, मतलब उसके लिए क्या है, पूरा का पूरा पीजीबीपी हेड है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, लेकिन इस हेड से बाहर नहीं जा पाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। और अगर मेरे से कोई पूछे कि ये कितने इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, 4 इयर्स, 2 लॉस 4 साल के लिए होंगे, ये एक लॉस फ्रॉम मोइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। और जो स्पेसिफाइड बिजनेस का है, ये एक तो पहले इसी बिजनेस से हो सकता है, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, और यहां इनफाइनाइट, इनडेफिनेट भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब जब तक सेट ऑफ नहीं होता तब तक कैरी फॉरवर्ड करते रहो, होगा सिर्फ इसी इनकम से। नेक्स्ट आ गए हम कैपिटल गेन में। बच्चों आपने कैपिटल गेन में पता क्या याद रखना, हमारे 2 तरह के लॉस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो पहले ना मैं शॉर्ट टर्म लिख रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये ऐसे अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, एक ही सेक्शन के अंडर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ना एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो शॉर्ट टर्म से भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म से भी हो जाएगा, सेम ईयर में भी उसकी सेम सिचुएशन है और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी, और लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाएगा, 8 ईयर्स के लिए ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं कैपिटल लॉस। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जब वो फर्स्ट ईयर जब हुआ है तब भी सिर्फ लॉन्ग टर्म से होता है, तो बाद में तो सिर्फ कहां से हो पाएगा, लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लास्ट वन बच्चों, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, कहां से सेट ऑफ हो पाएगा, इसी इनकम से, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, सिर्फ इसी इनकम से हो पाएगा बच्चों, और 4 इयर्स। अब देखो मैंने अभी तक जितना भी लिखा है बिना देखे कहीं से भी,
क्यों याद रखने का तरीका यही है, अल्टरनेट पहले ओवर करो कि आपके पास है ही नहीं ऑप्शन, याद करना पड़ेगा। एक बार ना इस टेबल को रिपीट करते हैं, पहले तो हम सेक्शन रिपीट करेंगे। बच्चों मैं बार बार कहता भी रहता हूँ और याद भी कराता हूँ कि नीड नहीं है लेकिन हो जाए तो बेस्ट है, कि कोई बच्चा ये ना हो उससे नहीं हो रहे तो प्रोविजन भी नहीं पढ़ रहा। प्रोविजन तो पहले नंबर पे आने चाहिए और सेक्शन साथ में लर्न हो तो दा बेस्ट है। हम ना ऐसे करके याद रख सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड में टोटल 6 सेक्शन है, 71B, 72, 73, 73A, 74, 74A। अब फिर हमें हेड वाइज आगे आना है, सैलरी हेड से गवर्नमेंट नहीं मानती, लॉस हो सकता है, इसलिए ना सेट ऑफ की बात की ना कैरी फॉरवर्ड की बात की। अब बात आई हाउस ऑफ एटी, हाउस ऑफ एटी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा 71B के अंडर। कहाँ से सेट ऑफ हो सकता है? इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ एटी और 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस PGBP पूरे से सेट ऑफ हो सकता है 72 के अंडर और 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद 73 लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 73A अंडर सेक्शन 35AD, इसी इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD और इनफाइनाइट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद बच्चों कैपिटल गेन को दो पार्ट में बांटते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो लॉस भी दो ही है हमें पता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है और 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। ये 74 पड़ा है और 74A लॉस फ्रॉम मोइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, कहां से सेट ऑफ होगा? इनकम फ्रॉम मोइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज और 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। अब बच्चों एक बार, क्योंकि रीजन क्या है, नोट पढ़ाने से पहले फिर रिपीट करना चाहूंगा, 70, 71 और कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन, सेक्शन 17 लॉसेस सेट ऑफ अंडर सेम हेड बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, तो वो 6 हैं हमारे। पहला लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, दूसरा लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम मोइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैजुअल लॉसेस, लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्सेज। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, लॉस फ्रॉम हाउस ऑफ एटी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स इनकम अप टू ₹2 lakh। उसके बाद लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD एंड लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैजुअल लॉसेस और लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्सेज। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड पे आ जाओ, 71B, 72, 73, 73A, 74, 74A लॉस फ्रॉम हाउस ऑफ एटी 8 ईयर्स सिर्फ हाउस ऑफ एटी की इनकम से, लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस PGBP 8 साल, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस इनफाइनाइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 ईयर्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 ईयर्स। और उसके बाद लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज और 4 ईयर्स। ऐसे करके बच्चों याद करना। तो एक बार देखो बच्चों यहाँ लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, इंटर सोर्स और इंटर हेड एडजस्टमेंट। पहले हम इंटर सोर्स पढ़ेंगे तो सेक्शन 70 और फिर इंटर हेड पढ़ेंगे तो सेक्शन 71, इसलिए उसने 70 एंड 71 कहा। अभी हम 70 पढ़ रहे हैं, ये रहा बच्चों सेक्शन, इंटर सोर्स सेट ऑफ अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। तो वो कह रहा है एनी लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। जनरल रूल तो यही है बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है बच्चों। फर्स्ट लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, सेकंड लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, थर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, फोर्थ लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, फिफ्थ बच्चों कैजुअल लॉसेस और सिक्स लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। नोट वन बच्चों, बेनिफिट अंडर सेक्शन 70 कैन बी क्लेम्ड इवन इन केस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 64। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट क्लब्ड इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड।
बच्चों एग्जाम्पल देता हूं आपको समझ आ जाएगा। मान लो मैं बिजनेस चला रहा हूं, बिजनेस से मुझे ज्यादा तो नहीं सिर्फ 50,000 का इस बार लॉस हुआ है और मेरा जो बेटा है उसके नाम पे एफडी करवा रखी है मैंने 20 लाख रुपीज की और उसके ऊपर ईयरली इंटरेस्ट 1,60,000 आता है। वो इंटरेस्ट मेरी इनकम में क्लब होता है, मतलब वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। 1,500 रुपये अगर मैं घटा दूं 1032 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट जो होता है, रिमेनिंग मेरी इनकम है। तो अब मेरी इनकम हो गई 1,60,000 में से 1,500 घटाकर 158,500, क्योंकि मेरी वाइफ की और कोई इनकम है नहीं, वो मेरी इनकम में ही क्लब होता है। और मेरे बिजनेस में है लॉस 50,000। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये 50,000 सेटअप हो जाएगा? गवर्नमेंट कहती है हाँ, वो आपकी इनकम ही तो हो गई, अब तो सेटअप होने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो नोट के थ्रू आपको बात क्लियर कर रहा है। सेकंड वन देखो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले समझाता हूं, फिर पढ़ूंगा क्योंकि ये 71 में भी आए। लोग ना कई बार गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दे रखे हैं ना उसका मिस यूज करना शुरू कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को ये चीजें क्लियर करनी पड़ती है। मेरा एक हाउस तो है बच्चों लेट ऑफ, और दूसरा हाउस है मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, बस वहीं से इनकम आती है जो हाउस वन है जिससे मेरा हिसाब गुजारा चलता है। और हाउस सेकंड के लिए मैंने लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पे किया है, तो हाउस सेकंड से मेरा लॉस है 60,000 रुपए और हाउस फर्स्ट से मेरी इनकम हुई 4 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन सब घटाने के बाद। अब मुझे पता है कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2,50,000 पे जो टैक्स बनेगा अगर इनकम 5 लाख तक है तो सेम अमाउंट की रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87। तो मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, मैंने क्या किया 4 लाख रुपए को अपनी जीटीए ही दिखाया, उस 60,000 को सेटअप नहीं किया, तो वो 60,000 मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। भाई अभी तो इनकम ज्यादा नहीं है, अभी क्या करना है सेटअप करके, इसको अगली बार यूज कर लेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास एक हेड में इनकम है और दूसरे सोर्स से उसी हेड में लॉस है, आप सेटअप कर सकते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सेटअप करने के अलावा। अगर नहीं किया, रिटर्न भर दिया और अगली बार सेटअप करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पहले ऑप्शन थी सेटअप करने। कैरी फॉरवर्ड तो तभी होगा जब आप सेटअप कर ही नहीं सकते, इनकम ही नहीं है, क्या करें फिर, तो कैरी फॉरवर्ड ही होगा। इफ देयर इज प्रॉफिट फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम एंड लॉस फ्रॉम अनदर, एक हेड के अंदर एक सोर्स से आपकी इनकम है और दूसरे सोर्स से क्या है लॉस, द असेसी हैज नो ऑप्शन बट टू सेट ऑफ द लॉस अगेंस्ट सच प्रॉफिट इफ इट इज परमिसिबल अंडर सेक्शन 70। मतलब वो लॉस सेट ऑफ हो सकता है, ये होना, मान लो आपको स्पेकुलेशन का लॉस हुआ है वो 60,000 रुपए है और आपको ऑर्डिनरी बिजनेस से 4 लाख का प्रॉफिट है, तो आप उसको सेटअप कर ही नहीं सकते, इस कारण से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। मतलब वो सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग परमिसिबल तो हो, हम तो कोई यहाँ पर स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, हमारा स्पेकुलेशन का लॉस है 60,000 रुपए और ऑर्डिनरी बिजनेस की इनकम है 4 लाख, और कोई इनकम है नहीं, तो मैं तो सेटअप करना चाहता हूं लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो सकता, तो फिर कैरी फॉरवर्ड ही तो होगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों, कैजुअल लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम इवन कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से तो होते नहीं है, अपने ही हेड के दूसरे सोर्स से कहां से हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि ऐसा कुछ हो। सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट, लॉसेस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम एसेसेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। 71 की टर्न तभी आएगी जब लॉस सेम हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते बच्चों, मेरे दो हाउसेस हैं, एक से लॉस दूसरे से इनकम। इनकम को तो मैं कह रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ, पर मैं कहता हूं ये लॉस तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करूंगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 71 की टर्न तभी आएगी जब आपके सेम हेड के अंदर कोई और सोर्स है नहीं या वहां से इनकम नहीं है। तो यहां पर ये लिखा है लॉसेस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम असेसेबल अंडर एनी अदर हेड, तो इसकी टर्म कब आएगी, जब सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग सेट ऑफ नहीं हो पा रहा होगा, तब हम अदर हेड पे आ जाएंगे। फर्स्ट है बच्चों, लॉस अंडर द हेड हाउस ऑफ कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। आपका हाउस ऑफ का लॉस ज्यादा से ज्यादा किसी और हेड से कितना सेट ऑफ हो सकता है बच्चों, 2 लाख रुपए। सेकंड है बच्चों, लॉसेस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब पीजीबीपी हेड का लॉस है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड सैलरीज। थर्ड है बच्चों, स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग
एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, क्योंकि इन्होंने कहीं और से, जब इनको अपने हेड से तो सेट ऑफ हो नहीं पा रहे तो किसी और हेड से कैसे हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने अपने हेड पे जान बूझ कर ही तो रेस्ट्रिक्शन लगाई है, जैसे स्पेकुलेटिव है, गवर्नमेंट चाहती नहीं वैसी एक्टिविटी हो, स्पेसिफाइड गवर्नमेंट चाहती है वो बिजनेस लंबे टाइम तक चलाएं और उसके कारण बाकी सारी इनकम थोड़ा आपकी टैक्स फ्री कर देंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा उसका लॉस सिर्फ वहीं से सेटअप हो पाएगा, कहीं और से नहीं होगा। फोर्थ है बच्चों, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेटअप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। फिफ्थ है बच्चों कैजुअल लॉसेस, और सिक्स्थ है आपका लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। नोट है बच्चों, फर्स्ट लॉस फ्रॉम वन हाउस ऑफ कैन बी एडजस्टेड द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर हाउस ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर। जो एक हाउस से लॉस होगा ना, आप दूसरे हाउस की इनकम से उसको क्या कर सकते हो, सेट ऑफ, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब सेक्शन 70 उसको एक्सेप्शन में नहीं लिख रहा। कई बार बच्चा अपने आप परसेप्शन बना लेता है कि हाउस वन का लॉस मैक्सिमम 2,00,000 रुपए हाउस टू की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। उसने कब कहा, उसने तो उसको सेक्शन 71 में कहा है, किसी और हेड की बात कर रहा है कि वहां से सेट ऑफ करती बार मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2,00,000। तो यहाँ पहली लाइन लिखी, लॉस फ्रॉम वन हाउस ऑफ कैन बी एडजस्टेड द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर हाउस ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर। एनी लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अंडर एनी अदर हेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,00,000 इन द सेम असेसमेंट ईयर। हाउएवर इफ आफ्टर सच सेट ऑफ देयर इज स्टिल एनी लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ देन the same shall be carried forward to the next year. Second note, if there is income from one head of income and losses from another, ek head se loss hai, dusre head se income hai, the assessee has no option but to set off the loss against such profit if it is permissible under section 71. Agar 71 koi restriction nahi lagata us loss ko set off karne mein, mera house property se loss hai 1,50,000, सैलरी की इनकम है 4,50,000, मुझे पता है ना सेट ऑफ करूं तो भी टैक्स नहीं बनना, तो मैंने सोचा ये अगले साल सेट ऑफ कर लेंगे, तो गवर्नमेंट कहते नहीं, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी तो अभी ही सेट ऑफ करना था, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा वो। थर्ड है बच्चों, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहां पर जैसे मान लो मेरा हाउस ऑफ एटी का लॉस आ गया, मेरा हाउस ऑफ एटी का क्या हो गया, सैलरी हेड भी है, पीजीबीपी भी है, कैपिटल गेन भी है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं कहा कि इसको पहले सैलरी से करना है फिर पीजीबीपी से करना है, वो आपकी मर्जी है, सेट ऑफ कर सकते हो जैसे मर्जी, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो बच्चों जब मैं आपको कैपिटल गेन का चैप्टर कराऊंगा ना, तो वहां आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ना फ्लैट रेट से 20% टैक्स लगता है। कितने परसेंट टैक्स लगता है, तो मैं जो बोलूंगा ना वो सुनना ध्यान से, मेरी सैलरी की इनकम 3,00,000 रुपए, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,00,000 रुपए, ठीक है, और मेरी अदर सोर्सेस की इनकम 1,00,000 रुपए, टोटल 5,00,000 रुपए, और मेरा 50,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, मुझे सेट ऑफ करना है, मैं सैलरी से भी कर सकता हूँ, मैं कैपिटल गेन से भी कर सकता हूँ, मैं अदर सोर्सेस से भी कर सकता हूँ। पता है मैं कहाँ से करूंगा, LTCG से, क्योंकि मुझे पता है 2,50,000 से जो ऊपर इनकम है ना, अप टू 5,00,000 उसके ऊपर टैक्स लगता है 5%, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट रेट से कितने परसेंट है, 20%। कैजुअल इनकम होती अगर उसमें अलाउड करते, इन्होंने कैजुअल इनकम से लॉस को सेटअप करवाने से ही मना कर दिया, नहीं तो मैं पहले उसमें से करता, क्योंकि उसके ऊपर किस रेट से लगता है, 30%, लेकिन वहां से तो कर नहीं सकते। तो हम पर है, तो यहां पर जो मैं लाइनें पढ़ूंगा ना उसको ध्यान देना कैसे लिखा है। देयर इज नो पर्टिकुलर मोड हैज बीन प्रेस्क्राइब फॉर सेटअप ऑफ लॉसेस फ्रॉम विच हेड ऑफ इनकम फर्स्ट। मतलब कोई प्रेस्क्राइब मोड नहीं है कि लॉस को पहले कहां से करना है, बस पहले सेक्शन 70 लगेगा और फिर 71, इसको मैं 71 के नीचे पढ़ा रहा हूं अदर हेड के अंडर। ऐसा नहीं कर सकता बच्चों, मेरा एक हाउस से लॉस, दूसरे हाउस की इनकम, मैं कहता हूं ये लॉस तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करूंगा, नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा वीनस इनकम है, हाउस ऑफ बड्डी से लॉस है और कैपिटल गेन है, तो मैं पहले कैपिटल गेन में से कर सकता हूं। देयर इज नो पर्टिकुलर मोड हैज बीन प्रेस्क्राइब फॉर सेटअप ऑफ लॉसेस फ्रॉम विच हेड ऑफ इनकम फर्स्ट। In the absence of any specific provision, assessee may choose to set off the losses in the manner which is most beneficial to the assessee. उसकी मर्जी है, जहां से मर्जी, जिस मर्जी order में set off करे। और fourth one बच्चों, loss of any head cannot be set off from casual income and income from exempt source. कोई भी head का loss ना तो casual income में से set off हो सकता है, ना ही exempt source से। इसका मतलब वो सारे exception में थोड़ा आते हैं, ये एक्सेप्शन में है दोनों, इनमें से कोई लॉस सेटअप नहीं हो सकता। मतलब मैं उन सबको एक्सेप्शन में थोड़ा लिख दूंगा, ये नोट में समझाऊंगा कि कोई भी लॉस इन दोनों में से सेटअप नहीं हो सकता, ना तो कैजुअल इनकम में से
ना ही एग्जेम्प्ट सोर्स से। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, इसको ऐसे क्यों लिख रखा है, जैसे मान लो पिछले साल का लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आपने उसको क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड, तो अगले साल वो ब्रॉड फॉरवर्ड माना जाएगा कि आपने पिछले साल से आगे ले आए और अब उसको क्या करना है, सेट ऑफ। तो पहले तो हमें कैरी फॉरवर्ड के लिए कितने साल मिल रहे हैं, तो वो हर एक इनकम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले 71B बच्चों, अनअब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अनअब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई पूछे मतलब, मैं कहूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहीं से सेट ऑफ नहीं हो पाया वो अनअब्सॉर्ब्ड रह गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किसी ओवर हेड से कितना सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख, और अगर किसी ओवर हेड की इनकम नहीं है तो फिर तो होगा कैसे सेट ऑफ। तो इस ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कितने ईयर्स के लिए बच्चों, 8 असेसमेंट ईयर के लिए। ये लिख रखा है बच्चों, नेचर ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब ये हमारा ईयर है, इसके बाद आगे 8 साल मिलेंगे आप फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो आपका प्रीवियस ईयर था जिसमें लॉस हुआ उसकी इनकम तो असेसमेंट ईयर में असेस होगी, तो उसके बाद आपको 8 साल आगे मिलेंगे कैरी फॉरवर्ड करने के, और उस दौरान वो कहां से सेट ऑफ हो पाएगा, सिर्फ इनकम अगेंस्ट विच द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ। तो कहां से सेट ऑफ हो पाएगा बच्चों, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। सिमिलरली बच्चों, मैंने आपको कितने बिजनेस बताए, 3, ऑर्डिनरी, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड। तो अब एक बार तीनों के रिगार्डिंग सीखते हैं। तो 72 सेक्शन कहता है बच्चों, अनअब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉस, जो आपका बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो ये 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ जो बिजनेस की बात है वो ऑर्डिनरी बिजनेस की बात है, अगर मैं खाली बिजनेस बोलूंगा तो मैं ऑर्डिनरी बिजनेस कह रहा हूं, और जब वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा तो कहां से सेट ऑफ होगा, आप कहोगे पीजीबीपी की इनकम से। क्वेश्चन आता है कि मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस था, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो अगले साल क्या स्पेकुलेटिव से हो जाएगा, वो कहते हाँ पीजीबीपी हेड पूरा मिलेगा उसको, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस से लॉस है, आपने उसको कर दिया कैरी फॉरवर्ड क्योंकि इस साल कोई और इनकम थी नहीं, अब वो 8 साल के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ तो नेक्स्ट ईयर मैं उसको सेटअप करना चाहता हूँ सैलरी से, तो वो पहले साल ही नहीं हो सकता था, आगे क्यों होगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगा, कैपिटल गेन नहीं हो पाएगा, अदर सोर्सेस नहीं हो पाएगा, लेकिन बिजनेस इनकम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है बिजनेस इनकम में क्या ऑर्डिनरी वाला स्पेकुलेटिव से हो जाएगा, वो कहते हैं हाँ स्पेसिफाइड से हो पाएगा, हाँ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर ना हो पाता ना तो लिखते इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस, सिर्फ कहां से सेट ऑफ हो पाएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस की इनकम से, लेकिन नहीं इसके लिए पूरा हेड है, अपने हेड से बाहर तो नहीं जा सकता। सेक्शन 73 स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, एक तो बच्चों इसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि ये सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और उस दौरान सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। एक लॉस को आप करंट ईयर में सिर्फ स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ करने दे रहे हो तो ब्रॉड फॉरवर्ड में बढ़ा थोड़ा दोगे उसका स्कोप, तो उन 4 सालों में भी सिर्फ कहां से सेट ऑफ हो पाएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से। तो इसलिए लिख रखा है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और 4 असेसमेंट ईयर। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस गवर्नमेंट इनफाइनाइट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इस कारण से नहीं लगाई कि लोग गवर्नमेंट नहीं चाहती उस तरह के बिजनेस हो, गवर्नमेंट तो चाहती है, प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम तो सिर्फ उसी की इनकम को टैक्स फ्री कर रहे हैं, ये ना हो ना आपके उसके कारण और बाकी टैक्स ही ओवर कर दो, तो गवर्नमेंट ने इसलिए उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई कि उसका लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ स्पेसिफाइड से ही हो पाएगा, लेकिन होगा कैरी फॉरवर्ड कितने ईयर्स के लिए, इनफाइनाइट ईयर्स, वो तो तब ओवर होगा जब आप अपना स्पेसिफाइड बिजनेस ही बंद कर देंगे, फिर कहां से कर पाएंगे, क्योंकि होना तो उसने वहीं से है। तो देखो बच्चों ऐसे लिखा है 73A लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD प्रॉफिट फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड बिजनेस, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही होगा, और कितने इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, इनफाइनाइट ईयर्स, इनडेफिनेट पीरियड का मतलब इनफाइनाइट ईयर्स होता है बच्चों। अब बिजनेस के बाद आगे हम कैपिटल गेन, अभी हमने पीछे सेक्शन 71 में पढ़ा, उसने लिखा लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, इसका मतलब कैपिटल लॉस सेम ईयर में जिस ईयर हुआ है अपने हेड के अलावा कहीं और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, तो वही चीज कैरी फॉरवर्ड में भी होगी, 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करती है गवर्नमेंट। सेक्शन 74 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड।
74 कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और 8 असेसमेंट ईयर। और लास्ट बच्चों 74A लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो ये सिर्फ इसी इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और से नहीं। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, और कितने इयर्स के लिए बच्चों कैरी फॉरवर्ड होता है? 4 असेसमेंट इयर्स। जहां तक किया है वहां तक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है बच्चों सेक्शन 70, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। हम कहते हैं कि अगर लॉस एक सोर्स से है किसी हेड के, तो हम उसी हेड के अनदर सोर्स से हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, यूं नहीं है कि सब कुछ ही सेट ऑफ हो सकता है सेम हेड से। सैलरी हेड से तो बच्चों लॉस ही नहीं हो सकता, हाउस प्रॉपर्टी हेड एक्सेप्शन में नहीं आता। जो हमारा पीजीबीपी हेड है उसमें 3 तरह के बीनस हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बीनस, स्पेकुलेटिव बीनस, स्पेसिफाइड बीनस। तो जो ऑर्डिनरी बीनस है वो एक्सेप्शन में नहीं आता। तो सबसे पहली चीज एक्सेप्शन में है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बीनस, वो सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बीनस से सेट ऑफ हो सकता है और कहीं से नहीं, ना ऑर्डिनरी से ना स्पेसिफाइड। सेकंड नंबर पे है बच्चों लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बीनस अंडर सेक्शन 35AD, पीजीबीपी हेड हो गया। फोर्थ नंबर पे कैपिटल गेन। बच्चों कैपिटल गेन का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन 2 तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉस भी 2 तरह के हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता, हालांकि दोनों सेम हेड में चार्जेबल है। तो तीसरा हमारा एक्सेप्शन हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। उसके बाद बच्चों हम आ गए अदर सोर्सेज में। एक तो वहां एक्सेप्शन में है लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, और इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे कैजुअल लॉसेस। कैजुअल लॉसेस तो डेड लॉसेस है, कहीं से भी सेट ऑफ नहीं होंगे। और लास्ट वन इज लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। तो ये 6 हैं बच्चों एक्सेप्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 71, इंटर हेड एडजस्टमेंट। जब हम किसी दूसरे हेड से सेटअप कर रहे होते हैं, हम ये सेक्शन 71 सेम ईयर में तभी अप्लाई करना है जब लॉस अपने ही हेड से सेटअप नहीं हो पा रहा, तो हम उसको दूसरे हेड से सेटअप करते हैं। बट अगेन देयर आर सम एक्सेप्शन। तो सैलरी हेड से लॉस हो नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी हेड एक्सेप्शन में आता है, लेकिन उसके ऊपर लिमिट लगा रखे है, सिर्फ इस कारण से एक्सेप्शन में आता है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स इनकम अप टू ₹2 लाख। उसके बाद थर्ड नंबर पे इनकम फ्रॉम बीनस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। और इसके अलावा जो पहले में थे वो यहां पर भी आ जाते हैं, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बीनस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बीनस अंडर सेक्शन 35AD, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड्स इनकम। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे है बच्चों लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो अपने हेड के अलावा कहीं और से सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। फिफ्थ नंबर पे कैजुअल लॉसेस डेड लॉसेस है, तो ये तो एक्सेप्शन में रहेंगे। और सिक्स नंबर पे लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। उसके बाद बच्चों मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन कराए, ये बच्चों 6 हैं, हम ऐसे याद रखते हैं। 71B, 72, 73, 73A, 74, 74A। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे याद हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए सेक्शन रेलिवेंट नहीं है, आपको तो उसका प्रोविजन समझना है। लेकिन फिर भी 71B, 72, 73, 73A, 74, 74A। फिर अब हम इसको अपनी लाइन के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले 71B है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। फिर उसके बाद 72 लॉस फ्रॉम बीनस, ऑर्डिनरी बीनस की बात हो रही है, पीजीबीपी पूरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है, 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद 73 लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बीनस, आपका इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो पाएगा और 4 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद बच्चों लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD से सेट ऑफ हो सकता है और इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद बच्चों सेक्शन 74 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाएगा और 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है और 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। और 74A लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कहां से सेट ऑफ हो सकता है? इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, 4 इयर्स के लिए बच्चों कैरी फॉरवर्ड होता है। अब एक सेक्शन बना रखा है 80, हमारे में सिर्फ ये है। एक 78 है, लेकिन वो तो एक छोटी सी बात बताता है, वो मैं पहले ही रख देता हूं। क्या मान लो बच्चों मुझे बिजनेस में हो रहा है लॉस और मेरे से तो बड़ा हिम्मत लगा ली नहीं चला,
ऐसा फैक्ट है, मेरे से वो बिजनेस नहीं चला तो ये नहीं है कि उस जगह पर किसी से वो बिजनेस नहीं चलेगा। मुझे बिजनेस करना आता ही नहीं है तो मेरे से मेरा वो बिजनेस चल ही नहीं रहा, वहां हो गया लॉस और मैंने अपना बिजनेस एज इट इज रनिंग किसी दूसरे को बेच दिया। अब मैंने पूरा बिजनेस उसको बेच दिया तो उसको अगले साल ही प्रॉफिट हो गया, उसने सोचा इसके वाला लॉस, इसने तो बिजनेस बंद कर दिया है तो मैं कर लूं कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर इनहेरिटेंस के थ्रू मेरे बाद मेरे बेटे को बिजनेस पास ऑन होता है इनहेरिटेंस के थ्रू, तो सिंगल वही एक्सेप्शन है कि जिसमें लॉस दूसरा पर्सन क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। अदरवाइज जिस पर्सन को लॉस होगा वही उसको सेट ऑफ कर सकता है। और सेक्शन 80 पता क्या कहता है कि अगर आपका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, लेट रिटर्न भर के आप लॉस को सेट ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड कराना चाहते हैं तो आपको रिटर्न टाइमली भरनी पड़ेगी। आपने लेट रिटर्न भरी तो आप समझो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे बताता हूं, जो लेट नॉर्मल रिटर्न की डेट होती है ना, जैसे मान लो 31 जुलाई है रिटर्न भरने की डेट, तो आप मानकर चलो बच्चों कि आपको उस दिन तक भर दी तो ठीक, आप उसके बाद भरेंगे तो डेट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न है वो। अब लेट रिटर्न में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप लॉस उस ईयर का उस ईयर में सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन आपने लेट रिटर्न के केस में सोचा कि लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन बना दिया, लॉस फ्रॉम हाउस ओवर्टी, आपको कहां से लॉस हुआ है, हाउस ओवर्टी से, और आपने लेट रिटर्न भरी है तो भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेक्शन 80, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न। Although the above losses are allowed to be carried forward, but the carry forward is allowed only when such loss has been determined in pursuance of a return of loss submitted by the assessee on or before the due date of filing of return prescribed under section 139(1). बच्चों जब हम return of income का chapter पढ़ेंगे तो वहां सबसे पहला section ही 139(1) है, जो दो चीजों के answer देता है, कौन person return file करने के लिए liable है और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। मतलब वो दो चीजों के आंसर देते हैं, रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल कौन है। जैसे मान लो आपकी इनकम 2,50,000 से कम है जीटीआई, तो आपको रिटर्न किस लिए भरनी है, आप सब बच्चे भरते हो कोई, चाहे कोई बच्चा 18 इयर्स से अबू है उसकी इनकम नहीं है तो नहीं भरेगा, वो तो अपनी मर्जी है, कंपल्सरी नहीं है आपके लिए। और दूसरे नंबर पे रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है वो भी 139(1) में दे रखा है। ये सीधा क्यों नहीं लिखते 31 जुलाई, क्योंकि अगर आपको ऑडिट कराना है तो बच्चों 31 अक्टूबर है, पहले 30 सितंबर हुआ करती थी पर अब क्या है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो हम रिटर्न के चैप्टर में सीख जाएंगे, मतलब आपकी दो डेट याद रखनी होती है 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, जिनको ऑडिट कराना है उनके लिए 31 अक्टूबर और जिनको नहीं कराना उनके लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। तो वहां तक क्या फाइल करना जरूरी है, रिटर्न। आगे बढ़े, हाउएवर लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड even if return is not filed within the due date mentioned under section 139(1), clearly लिखा है। अब देखो एक बार बच्चों कुछ एक और बताने हैं, एक छोटी सी बात बतानी है बच्चों, जब हम PGBP head पढ़ेंगे ना तो वहां पर ना depreciation में 3 classes लगेंगी। आप सोचेंगे खाली depreciation पे 3 classes लगेंगी, नियर अबाउट 20+ question तो हम खाली depreciation के पढ़ देंगे, क्योंकि रूल ही अलग है बिल्कुल। सेक्शन 32 पढ़ाएंगे depreciation का, तो मुझे आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी है। हम लोग ऐसे समझेंगे बच्चों कि पूरा बिजनेस हेड एक तरफ, डेप्रिसिएशन को गवर्नमेंट अलग ट्रीट करती है। कैसे, हम लोग अकाउंट्स में तो ये सीखे हैं डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट में आएगा, जब हम टैक्सेशन में पढ़ेंगे तो वो क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन बिजनेस इनकम से उतना सेट ऑफ होगा जितनी बिजनेस इनकम है। मान लो डेप्रिसिएशन घटाने से पहले बिजनेस की इनकम 1 लाख और हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बनता है 1,50,000, तो कितना सेट ऑफ हो पाएगा, 1 लाख, तो बाकी 50,000 वो कहते हैं कहीं से भी सेट ऑफ कर लो। आप सैलरी ऐड को छोड़ दो क्योंकि सैलरी का बिजनेस से कनेक्शन नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से करो, कैपिटल गेन से करो, अदर सोर्सेज से करो, किसको, डेप्रिसिएशन को। और अगर ना हो पाया तो बिजनेस का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। वहां पढ़ाएंगे कि आपका जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो कितने इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। वहां इसके साथ एक लाइन और पढ़ाएंगे, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो पाएगा, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो पाएगा और डेप्रिसिएशन
कहीं से भी हो जाएगा। आपका ब्रोड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, पिछले साल का था, सेट ऑफ नहीं हो पाया था, बिजनेस इनकम भी एनफ नहीं थी और किसी हेड की इनकम भी नहीं थी, और अब वो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ है, तो आप उसको अगेन हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, कहीं से भी सेट ऑफ करो, तो उसके लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है 32(2). तो सेक्शन 80 यहां वाली तो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लेकिन 32(2) वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं कवर कर रहा। मतलब एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा चाहे आपने लेट रिटर्न भरी हो, और सिमिलरली अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपने चाहे लेट रिटर्न भरी हो, क्योंकि वो सेक्शन 80 के अंडर कवर नहीं होता, बल्कि कहां आता है 32(2), वो वहां सीखेंगे। तो देखो पहले क्या लिखा है, सेक्शन 80 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन व्हिच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 32(2)। ये बच्चों लिखा है यहाँ इन्होंने, ये वहां मैं कह रहा हूं 3 दिन लगेंगे, तो नो डाउट टॉपिक में दम होगा पूरा कि इसलिए इतने दिन लग रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट पढ़ाना है डेप्रिसिएशन, जो अपने अकाउंट्स में पड़ा है उससे मिलता जुलता नहीं है वो। और उसके बाद कहता है अगर लॉस होता है ना, देयर आर टू कंडीशन व्हिच आर टू बी सेटिस्फाई बिफोर लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। पहले आप रिटर्न भरो लॉस की, और वो फिर उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, चेकआउट करेंगे। अब मान लो उन्होंने चेकआउट नहीं किया, तो समझो चेक हो गया है, वो उन्होंने एक फियर बना रखा है ना कि जो पर्सन लॉस का रिटर्न भर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसकी स्क्रूटनी हो सकती है। तो लोग स्क्रूटनी से पता कितना डरते हैं, मान लो जैसे पुलिस वाले आ जाए डर लगता है ना कि क्यों आ गए, तो वैसे इनकम टैक्स वालों से लगता है, चाहे आप कितने भी फेयर क्यों ना हो, पर्सन को लगता है ये तो अवॉइड ही रहे। तो वो गवर्नमेंट ने बना रखा है कि लोग फेक लॉसेस कैरी फॉरवर्ड ना करें, तो क्या बना रखा है कि लॉस हुआ तो आप लॉस की रिटर्न भरेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे। अगर मान लो उन्होंने नहीं किया स्क्रूटनाइज, तो माना जाएगा आपका लॉस उन्होंने डिटरमाइन कर लिया है, लेकिन उम्मीद रहती है कि वो डिटरमाइन करेंगे। तो वो दोनों चीजें कंडीशन पूरी होंगी तभी लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। इससे नेक्स्ट बच्चों, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। देखो ना, देखो यहाँ पर अदर सोर्सेज कहाँ आया, तो वो लॉस आपका सेटअप तो हो जाएगा लेकिन क्या नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चो, इट इज टू बी रिमेम्बर डेट वंस ए पर्टिकुलर लॉस इज कैरी फॉरवर्ड इट कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द सेम हेड इन द फोर्थ कमिंग असेसमेंट। क्योंकि इसको क्लियर करना जरूरी है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो पाएगा, आप उसको किसी और हेड से नहीं कर सकते। आपका बिजनेस का लॉस एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सिर्फ कहां से सेट ऑफ हो पाएगा, बिजनेस इनकम से। वो क्लियर कर रहा है ये बात। अब देखो बच्चों, जब हम स्पेसिफाइड बिजनेस का करेंगे ना, तो जब हम पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पे स्पेसिफाइड बिजनेस 2-3 ही कर रखे थे, और आज नियर अबाउट 15-16 बिजनेस है जो किस में आ जाते हैं, गवर्नमेंट ना ऐड करती रहती है। गवर्नमेंट को जो लगता है ना कि इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा, तो वो लोग उसको किस में डाल देते हैं, स्पेसिफाइड। तो जैसे हमारे यहाँ होटल का बिजनेस है, तो या फिर हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा बेड, तो ये ना गवर्नमेंट 2010 में लेकर आई थी। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे मान लो 2010 में ले आई 1 अप्रैल को, तो गवर्नमेंट कहती है अब से ये स्पेसिफाइड में बेनिफिट मिलेगा, तो जो पहले से खुले हुए हैं उनके लिए नहीं है। आपका हॉस्पिटल पहले से है तो आपको वो बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, किसको दिया जा रहा है, जिनकी कमेंसमेंट कब हो रही है, उस डेट के बाद। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी एक हॉस्पिटल और खोला, जैसे रोहतक में खोला, दिल्ली और कई जगह पर तो हमारा है, अब रोहतक में नया खोला है जो एक और, तो उसको तो स्पेसिफाइड में मतलब 35AD के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। वो है स्पेसिफाइड लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कब से शुरू किया। तो क्वेश्चन आता है कि मेरा हॉस्पिटल का इस जगह का लॉस है और उधर हॉस्पिटल की क्या है, इनकम है, तो क्या ये वहां से सेटअप हो जाएगा, भले ही उसकी 35AD की क्या नहीं मिलती, डिडक्शन नहीं मिलती जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। गवर्नमेंट कहती है हाँ हो जाएगा, समझ गए ना, एसएससी को फायदा दे दिया, क्यों, उसका टैक्स बच जाएगा वहां से जो इनकम कमा रहा है, ताकि उसको कहीं ना कहीं इनिशिएट लगे। एक बार मैं लाइनें पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करना कैसे लिखी। द लॉस ऑफ एन एसएससी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 73AD, इसी का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। अब अपने आप समझा रहा है कि कैसे कह रहा हूं मैं, एन एसएससी कैन देयरफॉर सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ ए हॉस्पिटल और ए होटल
विच बिगेन टू ऑपरेट आफ्टर 1 अप्रैल 2010 एंड विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन एडी अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग ए हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड फॉर पेशेंट और ए होटल ऑफ 2 स्टार और अबू कैटेगरी इवन इफ द लेटर जो पहले वाला होटल और हॉस्पिटल है इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। अब बच्चों ऑर्डर पूछ रखा है, वैसे मैं शुरू की क्लासेस में ऑर्डर कराता नहीं हूँ कि मेरे को यूं होता है कि बच्चे को इनिशियल में तो समझ आएगा नहीं, लेकिन अभी मैं क्योंकि थोड़ा सा गया था पीछे तो मैं अभी समझा देता हूँ, फिर कम समझ आया तो फिर दोबारा कर लेंगे, नहीं तो हम लोग इसके ऊपर निशान लगाते हैं और कहते हैं पीजीबीपी में डिस्कस करें। देखो बच्चों आपको ऐसे बताता हूँ, मान लो मेरी इस बार की बिजनेस इनकम है 3 लाख, मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कम से कम 6 साल पहले लॉस हुआ था, बीच में लगातार लॉस होता रहा, तो ये उसका 7वां साल है, 8 साल के लिए टोटल कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो मेरी बिजनेस की इनकम है 4 लाख, पुराना मेरा लॉस है 3.5 लाख का, और मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो 3 लाख रुपए, जो इस बार का अभी घटाया नहीं है, बिजनेस इनकम डेप्रिसिएशन घटाने से पहले। मेरे बैठे दिमाग आया, 4 तो हर कोई बंदा करता है, मेरे को लगा यार ऐसे ना करूं, 4 लाख बिजनेस की इनकम, पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पहले सेटअप कर लेता हूं, क्योंकि वो तो एक समस्या है, वो दिन साल बीतता है मुझे फिर कुछ होता है कि 8 साल तो टोटल है तो डेड हो जाएगा, तो मैंने सोचा 4 लाख में से क्या सेटअप कर लेता हूँ, 3.5 लाख ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, डेप्रिसिएशन के लिए तो इनफाइनाइट ईयर है, दिक्कत क्या है, डेप्रिसिएशन करंट ईयर वाला कर नहीं रहा मैं सेटअप, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर बनाया सेटअप का, गवर्नमेंट कहती है पहले तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन में तो हम सिर्फ आपको इतना बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं हो पाया तो अनएब्सॉर्ब और कहीं से भी कर लेना और इनफाइनाइट ईयर के लिए, ये थोड़ा डेप्रिसिएशन घटा सकते हो और घटाओगे नहीं हो, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड क्या लेस कर रहे हो, बिजनेस लॉस ऐसे नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो बच्चों बात, तो सबसे पहले क्या लेस होगा, इन्होंने बोला करंट ईयर डेप्रिसिएशन, इसके साथ जो ये दो और लिखे हुए हैं ना बच्चों, मैं मानता हूं कि एक बार मैं इसको ना पढ़ पता है क्या दिक्कत होगी, साइंटिफिक रिसर्च भी बताना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग भी पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कैसे बताऊं कि ये, फिर पूरा समझाना पड़ेगा कि उसकी कहानी क्या है, तो एक बार आप सिर्फ डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑर्डर तो वही समझ आएगा, तो पहले गवर्नमेंट क्या कहती है क्या लेस कर लो, करंट ईयर डेप्रिसिएशन कर लिया मैंने, अब मेरा उसी ईयर का जिस ईयर लॉस हुआ था ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी है और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है, करंट ईयर का तो मेरे को मैंडेटरी करना पड़ा, बचाए कितने, सिर्फ 50,000 रुपए, क्यों 4 लाख वो था, 3.5 लाख मान लो मेरा डेप्रिसिएशन है तो सिर्फ 50 बचे हुए, या 3 लाख डेप्रिसिएशन है तो 1 लाख बचे हुए, और वो पुराना लॉस भी है और पुराना डेप्रिसिएशन भी है, अब गवर्नमेंट कहती है आपकी मर्जी है, तो नो डाउट एसएससी क्या करेगा, पहले लॉस को सेटअप करेगा, क्योंकि उसको पता है कि लॉस के लिए तो 8 साल है और फिर उसके लिए सिंगल यही हेड है, डेप्रिसिएशन एक तो इनफाइनाइट ईयर के लिए है और फिर कहीं भी से भी कर लूंगा, तो ऑर्डर क्या बना, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये 3 है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग बता नहीं रहा, तो उनका ट्रीटमेंट जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन के साथ ऑब्लिक लगा रखा है और डेप्रिसिएशन के बाद लेस कर रखा है, लेकिन उसके कारण क्यों ऐसा कर रखा है तो वो तो वही सीखेंगे पीजीबीपी, वो भी मैं कोई चीज स्किप नहीं करता कि बच्चे को ये ना लगे कि हमें बाद में याद कैसे रहेगा ये करना रह गया था, तो जब कैरी फॉरवर्ड आएगा ना तो वहां ऑर्डर आएगा बच्चों, समझ के बाद, अब एक अगली चीज ये ना बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज हमने पढ़ ली है, जैसे आपका लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, जैसे मान लो मेरा पिछले से पिछले साल लॉस हुआ था तो ये मेरा जो प्रीवियस ईयर है उसमें मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, अब बच्चों बिजनेस लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, ये उसका पहला असेसमेंट ईयर है, पिछले से पिछले साल तो हुआ था तो पिछला साल उसका कौन सा है, पहला असेसमेंट ईयर है, पहला प्रीवियस ईयर है, तो मेरे बिजनेस से इनकम है 3 लाख रुपए और मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 2 लाख रुपए, अब मैं अगेन बैठे सोच रहा हूं, मैंने सोचा बच्चों कि ये जो 3 लाख रुपए है इसमें से 2 लाख सेटअप करके क्या करूंगा, टैक्स तो लगना नहीं है, तो मैंने क्या किया 3 लाख इनकम दिखा दी और 2 लाख को मैंने सोचा फर्दर ये क्या कर लेते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड है तो चलता रहे 8 साल तो है अगले साल कर लेंगे, गवर्नमेंट कहती है नहीं अगर आप कर सकते थे तो करना पड़ेगा, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी करने की थी और आपने नहीं किया तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड फर्दर नहीं रहेगा, मतलब आप सेक्शन का मिस यूज नहीं करो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मस्ट बी सेट ऑफ इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर ईयर्स, the losses which are eligible to be carry forward must be set off against the income profit
ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर। जो लॉसेस आपके इलिजिबल थे कैरी फॉरवर्ड करने के, वो आपके लिए जरूरी है कि आप नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर की इनकम में से उसको क्या करेंगे, सेट ऑफ। एंड इफ देयर इज एनी बैलेंस स्टिल टू बी सेट ऑफ, इट शैल बी सेट ऑफ इन द इमीडिएटली नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स विद इन द टाइम अलाउड। वेयर द लॉसेस इनकर्ड आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर ईयर्स एज द केस मे बी, दे कैन नॉट बी सेट ऑफ एट ए लेटर डेट। हेलो, आप इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में सेट ऑफ कर सकते थे, उसके बावजूद आपने नहीं किया और आप सोचे अब इससे अगले साल कर लूंगा, आपकी मर्जी थोड़ा चले। हमने क्लियरली मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता। और दो नोट बना रखे हैं, फर्स्ट, लॉस जो पीजीबीपी से है ना, जिस पर्सन को हो रहा है वही उसको क्या कर सकता है, सेट ऑफ, कोई और पर्सन नहीं। जो मतलब अगर मान लो मैं आपको अपना बिजनेस बेचता हूँ ना, तो मेरे को प्रीडिसेसर बोला जाएगा और आपको सक्सेसर बोला जाएगा, समझ गए ना। जिसके ने बेचा है और जिसने खरीदा है, तो जिसको लॉस हुआ है वही क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, व्हेन बिजनेस इज सक्सीडेड बाय इनहेरिटेंस, की सक्सेशन उसका किसके थ्रू हुआ है, इनहेरिटेंस के थ्रू। तो देखो कैसे लिखता है, लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड and set off only against the profit of assessee who incurred the loss. That is, only the person who has incurred the loss is entitled to carry forward or set off the same. Consequently, the successor of a business cannot carry forward or set off the losses of predecessor except in case of succession by inheritance. समझ गए बात। और ये जो सेकंड नोट है ना, ये एक वैसी बात कर रहा है, ये पहले रेलेवेंट हो गया था जब ये गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई थी, अब तो फिर पुरानी हो गई। हम जब आपको कैपिटल गेन पढ़ाएंगे ना बच्चों, तो कैपिटल गेन को ना दो कैटेगरी में बांट देंगे एलटीसीजी में। एक आप लिस्टेड शेयर्स बेचकर कमाओ, उसको बोलते हैं एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A और 112। बच्चों वो क्लियर कह रहा है कि यहां से या यहां से आपको लॉस हो जाता है तो वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें ना। आपको जो ये वाला है ना, इसमें गवर्नमेंट ने क्या है, पहले तक ना बच्चों एलटीसीजी अगर आप लिस्टेड शेयर्स के ऊपर कमाते थे ना, तो उसको 1038 के अंडर गवर्नमेंट करती थी एग्जेम्प्ट। ये शेयर मार्केट को उस टाइम पे बूस्ट करने के लिए किया गया था कि डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट कर दो, लोग शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे। दूसरा क्या कर दिया कि वहां जो एलटीसीजी होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038। लेकिन जब उनको पता लग गया कि एक लेवल पे पहुंच गई है, अब इसकी नीड नहीं है, क्यों छोड़ा जाए उनको, तो उन्होंने इसको हटाया सबसे पहले। और इसको हटाते ही क्या किया कि जो LTCG exempt होता था, एकदम से प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को, तो उन्होंने क्या किया कि LTCG 1,00,000 तक exempt होगा और 1,00,000 से ऊपर वाले पे 10% से टैक्स लगेगा। वो हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन के अंदर, उसको कौन से सेक्शन के अंदर ले आए, LTCG 112 आए कि 1,00,000 तक। लेकिन फिर सेट ऑफ में क्लियर कर दिया कि मान लो यहां आपको लॉस हो जाए तो वो आपका एलटीसीजी से सेट ऑफ हो जाएगा दूसरे वाले से, और ये आपस में भी हो जाएगा क्योंकि ये कोई एक्सेप्शन पे नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है, तो ये नोट वैसे रेलेवेंट नहीं है जब हम वहां पढ़ लेंगे। मतलब आप ये समझो कि चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो 112 में या 112A में, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, सेट ऑफ हो सकते हैं, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 एलटीसीजी एक्सीडिंग 1,00,000 arising on sale of listed equity shares or unit of equity oriented fund. और listed कैसे अभी आपको पता लग जाएगा, वो कहेगा कि stock exchange के through purchase sale हुई होनी चाहिए जिसके ऊपर security transaction tax pay कर रखा हो, on which STT is paid. STT का full form होता है बच्चों securities transaction tax. आप share market से जब भी कोई transaction करते हैं ना, उसके ऊपर STT लगता है. In respect of equity share, दोनों टाइम पे लगा हुआ, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन भी और सेल भी। जब आप लिस्टेड शेयर्स मार्केट के थ्रू खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों टाइम पे लगेगा। और अगर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं जिसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहते हैं, तो उसके केस में सेल के टाइम पे आपने एसटीटी पे किया, तो इस टैक्सेबल किस सेक्शन के अंडर टैक्सेबल होगा, किस रेट से कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, जो 1,00,000 से क्या होगा बच्चों, ऊपर होगा। LTCL on sale of such share unit can therefore be set off and carry forward. मतलब ये वाला LTC के लिए भी वही रूल है। एक तो सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग सिर्फ कहां से सेट ऑफ हो पाएगा, हाँ मतलब 70 में एक्सेप्शन में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कहां से नहीं हो सकता, तो वही लिख रहा है कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय वर्च्यू ऑफ किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, एक तो 73, उसमें तीसरा पॉइंट ही तो आया था सेक्शन 70 में एक्सेप्शन में, हमने पढ़ा नहीं था
तो हम वैसे ही याद रखेंगे सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड का कौन सा सेक्शन था? 74। तो वो दोनों के अकॉर्डिंग आपको वही रेस्ट्रिक्शन जैसे LTCL नॉर्मल पे लगती है वही किस पे भी लगेगी, 112A पे। याद रखेंगे कि LTCL चाहे 112 हो या 112A हो, आपस में एक दूसरे से सेटअप हो जाते हैं, उनके ऊपर वही रूल लगते हैं जो नॉर्मल LTCG पे लगता है। तो मेरी तरफ से एक बार थ्योरी हो गई, तो आज बच्चों यहीं तक करेंगे। बाय बच्चों।